नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटोस्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से, जहां पर दोस्तों जापानीज कंपनी पायर कॉरपोरेशन अब भारत में उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली है और इसको लेकर अभी वो लोकल पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों पायर कॉरपोरेशन कार और ऑटोमोटिव के लिए एंटरटेनमेंट और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, जैसे कि स्टीरियो, स्पीकर्स, वूफर्स, एम्पलीफायर्स। और अभी तक भारत में जितना भी काम इनके द्वारा किया जाता है उसके लिए इन्होंने पायनियर इंडिया नाम की एक सब्सिडियरी फॉर्म कर रखी है, जो फिलहाल भारत में सिर्फ R&D और प्रोडक्ट डिजाइनिंग का काम करते हैं, स्पेसिफिकली गुरुग्राम और बेंगलोर में। मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग काम वो वियतनाम और थाईलैंड में करते हैं और इंडियन मार्केट के लिए भी प्रोडक्ट वहीं से इम्पोर्ट किए जाते हैं। लेकिन अब इंडियन मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए भारत में ही प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। फिलहाल जो लोकल पार्टनर्स ये ढूंढ रहे हैं उनके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करवाएंगे, कोई भी उनके साथ में जॉइंट वेंचर फॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन आगे चलकर जब इनको जरूरत पड़ती है तो अलग अलग कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करके ये जॉइंट वेंचर फॉर्म करके बड़े स्केल पर भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगली दोस्त अपडेट मुंबई से है, जहां पर दोस्तों वाधवान बोर्ड को लेकर फाइनली हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है और फाइनली अब इसके ऊपर आगे काम बढ़ पाएगा। दोस्तों वाधवान बोर्ड एक काफी लॉन्ग प्लान प्रोजेक्ट है, कई सालों से इसके ऊपर बातचीत की जा रही है, लेकिन जब से इसको इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में इंक्लूड किया गया है तब से इसका काम फास्ट बेसिस पर डाल दिया गया था और जस्ट एक दो सालों के अंदर अंदर अब इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। 76,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च की जाएंगी और आगे चलकर ये भारत की तो बड़ी बोर्ड बनेगी, साथ साथ दुनिया की जो टॉप 10 बिगेस्ट पोर्ट्स होंगी उनमें भी इसका नाम शामिल होगा। कुल मिलाकर 9 कंटेनर टर्मिनल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसमें से पहले फेज में 4 बनकर तैयार होंगे और हर टर्मिनल में 2 बर्थ्स होंगे 1,000 मीटर लंबे वॉक्स के साथ में। इसके अलावा 360 करोड़ रुपीज़ के वेदर कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम का भी नेशनल रोड हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। 1,560 करोड़ रुपीज़ के 218 फिशरी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें कुछ का इनोग्रेशन है और कुछ का फाउंडेशन रखने का काम हुआ है। पालघर में भी सिड़कों के कई सारे प्रोजेक्ट्स को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 12,157 करोड़ रुपीज़ के फंड्स अप्रूव कर दिए गए हैं और इसके ऊपर भी आप कह सकते हैं काम फाइनली आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों ये एक मल्टीपर्पज़ इरीगेशन प्रोजेक्ट है जो कि आंध्र प्रदेश के इल्लूरू और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी रिवर के ऊपर ही बनाया जा रहा है और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस भी दिया गया है। 2004 से इसका कंस्ट्रक्शन जारी है। ओवर द ईयर्स कई सारे डिस्प्यूट्स और कॉन्ट्रोवर्सीज इसको लेकर हो चुकी हैं, जिसके चलते 20 सालों के अंदर अंदर भी इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी भी इसको 4 से 5 साल का समय लगने वाला है। 12,157 करोड़ रुपीज 2 ट्रांचेस में दिए जाएंगे, इस फाइनेंशियल ईयर में 6,000 करोड़ रुपीज और अगले फाइनेंशियल ईयर में रिमेनिंग 6,157 करोड़ रुपीज। एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो 960 मेगावाट हाइड्रो पावर, 436,825 हेक्टेयर लैंड को इरीगेशन, 611 विलेजेस में 28,50 लाख लोगों को इसके चलते ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी मिल पाएगी और होपफुली अब इसमें कोई डिले देखने को नहीं मिलेगा। अभी दोस्तों अपडेट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से है, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए एक और PLI के ऊपर काम कर रही है और इस बार उनकी मेन प्रायोरिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाली है। दोस्तों बेसिकली ये PLI स्कीम काफी लंबे समय से प्लान की जा रही है, जिसके लिए 35,000 करोड़ रुपीज का फाइनेंशियल अपग्रेड रखा जाएगा। सब असेंबलीज जैसे कि कैमरा मॉड्यूल्स, डिस्प्ले असेंबलीज, मैकेनिकल पार्ट्स, बैटरी पैक्स, वाइब्रेटर्स, PCBs, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की बात की गई है, जिसके चलते मोबाइल फोन्स, PCs और लैपटॉप्स में लोकल वैल्यू एडिशन को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी भारत में ये प्रोडक्ट्स बनते तो हैं लेकिन इनमें लोकल वैल्यू एडिशन काफ़ी ज़्यादा कम है और इसके लिए हमें चाइना पर डिपेंड भी रहना पड़ता है। इन चीज़ों के ऊपर तो काम होना ही होना है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर भी ये टारगेट रखा गया है कि हर 1 करोड़ रुपीज़ जो इस स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्ट किया जाएगा उसके थ्रू 1 से 2 लोगों के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी टारगेट की जाए। इस PLI को लेकर अभी काम फाइनल स्टेज में है। 2 अल्टरनेटिव प्रपोजल्स यहाँ पर कंसीडर किए जा रहे हैं, एक एडिशनल इंसेंटिव रिलेटेड है जबकि दूसरा इंसेंटिव रीइंबर्समेंट से रिलेटेड है। देखते हैं कि कैसे इसको लॉन्च किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटका गवर्नमेंट ने EV क्लस्टर्स को लेकर 3 लोकेशन को फाइनलाइज कर दिया स्टेट के अंदर और यहाँ पर बताया गया है कि कर्नाटका की EV पॉलिसी के अंतर्गत इन सबको डेवलप किया जाएगा। दोस्तों EV क्लस्टर्स में से 2 EV क्लस्टर्स तो चिकाबल्लापुर और बिदारी के पास बनकर तैयार होंगे, जो कि बेंगलुरु के काफी पास में ही लोकेटेड है, बेंगलुरु में हम इनको मान सकते हैं। एक हुबली और धारवाड़ में बनकर तैयार होगा। 800 एकड़ ऑफ लैंड इनके लिए अनुमा कर ली गई है, जिसके लिए लैंड एक्विजिशन काफी जल्द स्टार्ट भी हो जाएगा। EV मैन्युफैक्चरिंग के अलावा EV कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और EV टेस्टिंग फैसिलिटीज भी यहाँ पर सेटअप की जाएंगी और क्योंकि इन्हें पायलट बेसिस पर EV मॉडल सिटीज के रूप में डेवलप किया जा रहा है तो अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो आगे चलकर कर्नाटका के और कई सारे एरियाज में इसी टाइप के क्लस्टर सेटअप किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों मोहल्ला बस सर्विस को लेकर अभी ट्रायल रन दिल्ली सरकार ने और एक्सटेंड कर दिए हैं और अभी 2 नए रूट्स पर इसके ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों मोहल्ला बस सर्विस का मेन टारगेट यही है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी जाए, स्पेसिफिकली मेट्रो स्टेशन और रेजिडेंशियल एरियाज के बीच। अभी तक प्रधान इनक्लेव से लेकर मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन तक
और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से लेकर मयूर विहार फेज 3 पेपर मार्केट तक इनके ट्रायल कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसको लोगों के द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा है। पिछले एक महीने से ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रायल हो रहे हैं। सेम बेसिस पर न्यू कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन से लेकर PNB गीतांजलि और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से लेकर वसंत विहार तक अभी 2 और ट्रायल स्टार्ट किए गए हैं और यहाँ पर 6 से 7 DU कॉलेजेस, प्रोमिनेंट मॉल्स और मेट्रो स्टेशन को कवर कर दिया जाएगा। अगर ये भी सक्सेसफुल होता है तो जो बसेस यहाँ पर ऑपरेट हो रही हैं उनको आगे चलकर परमानेंट बेसिस पर ऑपरेट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी के IT सेक्टर के प्रोग्रेस को लेकर यूपी गवर्नमेंट ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब्स को उनके स्टेट में एस्टेब्लिश करने वाली है और इसको लेकर अभी 5 अलग अलग सिटीज को चुन लिया गया है। दोस्तों इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब्स के थ्रू यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है कि यूपी के IT सेक्टर को ऑलमोस्ट 10 गुना तक और ग्रो किया जाए अगले 5 सालों के अंदर अंदर। टोटल $4 बिलियन जो कि इंडियन रुपीज में अराउंड 33,500 करोड़ रुपीज बनते हैं, इतनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी इंडस्ट्री, ई कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी के एरिया में न्यू एज टेक्नोलॉजीज के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। बात करें सिटीज की तो नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एंड प्रयागराज, इन 5 सिटीज को यहाँ पर टेक हब्स के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पर हर एक सिटी अलग अलग वर्टिकल्स के ऊपर डेवलप की जाएगी। जहाँ पर नोएडा को IT हब में, लखनऊ को AI और मशीन लर्निंग हब में, कानपुर में ड्रोन्स और रोबोटिक्स के ऊपर काम होगा, जबकि वाराणसी और प्रयागराज को इंजीनियरिंग और R&D के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इसकी अनाउंसमेंट तो कर दी गई है, देखते हैं कि यूपी गवर्नमेंट इनके ऊपर कैसे काम करती है। अभी दोस्तों फिर से अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी फाइनेंशियल कैपिटल पूरे एशिया की बिलियनियर कैपिटल भी बन चुकी है, क्योंकि हुरून इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुंबई ने बीजिंग को बिलियनियर्स के मामले में ओवरटेक कर लिया है। दोस्तों बेसिकली रिपोर्ट हुरून के द्वारा हर साल रिलीज की जाती है और पिछले साल जब ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी तो उस समय बीजिंग मुंबई से आगे था, लेकिन अब ऐसा पहली बार हुआ है कि मुंबई ने बीजिंग को ओवरटेक कर लिया है। अभी मुंबई में टोटल 386 बिलियनियर्स हैं, जिसमें लास्ट एक साल के अंदर अंदर 58 बिलियनियर्स नए ऐड हुए हैं। 217 बिलियनर्स के साथ में दिल्ली दूसरे नंबर पर है, 104 बिलियनर्स के साथ में हैदराबाद तीसरे नंबर पर, 100 बिलियनर्स के साथ में बेंगलोर फोर्थ नंबर पर है और यहाँ पर हैदराबाद ने बेंगलोर को ओवरटेक किया है, जबकि 82 बिलियनर्स के साथ में चेन्नई यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर है। इसके बाद कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, सूरत और गुरुग्राम जैसे सिटीज का नंबर आता है। अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो मुंबई में अभी के समय 92 बिलियनर्स हैं, पिछले एक साल के अंदर अंदर 26 बिलियनर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं, जबकि बीजिंग में 91 है और यहाँ पर उल्टा गिरावट देखने को मिली है। अभी न्यूयॉर्क और लंदन ये सिर्फ 2 ही ग्लोबल सिटीज हैं जो कि मुंबई से बिलियनर्स के मामले में आगे हैं, बहुत ही जल्द हम इनको भी ओवरटेक कर देंगे। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट बेंगलोर से ही है, जहां पर दोस्तों साउथ इंडिया का पहला अंडरग्राउंड मार्केट अभी बनकर तैयार हो गया है बेंगलोर के अंदर और कर्नाटक के CM के द्वारा इसके इनॉग्रेशन करते हुए लोगों के लिए इसको ओपन किया गया है। दोस्तों मार्केट कम्प्लीटली एक एयर कंडीशनड मार्केट है, जिसको दिल्ली के पालिका बाजार की तरह ही सेम मॉडल पर बनाया गया है। इनफैक्ट इसका नाम भी उसी से इंस्पायर्ड है, पालिका बाजार इसका नाम रखा गया है। वेस्ट बेंगलोर के विजयनगर लोकैलिटी में इसको बनाया गया, जिसको बनाने के लिए 13 करोड़ रुपीज खर्च किए गए हैं। वैसे उसका पहला फेज 2022 में कम्प्लीट हो गया था, पर उसको ओपन नहीं किया गया था, क्योंकि अगर उसको ओपन किया जाता तो फेज 2 का कंस्ट्रक्शन ना हो पाता। तो इनोग्रेशन को रोककर BBMP ने फेज 2 के कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस किया और अब दोनों फेजेस को एक बार में ही ओपन कर दिया गया है। 79 शॉप्स, 145 लाइट्स, 2 एस्केलेटर्स, 1 लिफ्ट, 1 पावर ट्रांसफॉर्मर, इस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर बनाई गई है और क्योंकि अब इसका इनोग्रेशन हो गया है तो लोग अब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपके वीडियो को देखने के लिए।